Namaskar, welcome back, students. I'm quite well here and hope to God that you will be good, glad, and healthy at your place. So, let's topic of the today. Students, as we are studying noun, जैसे कि हम आजकल noun पढ़ रहे हैं और noun में kinds of the noun हम पढ़ चुके हैं. हमने देखा था there are five kinds of noun. प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा था. आइए आज जो बाकी के तीन टॉपिक है हम लोग इसे क्लियर करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ द नाउन्स की बात करते हैं. जैसे कि हिंदी में और संस्कृत में हम लोग पढ़ते हैं हिंदी में कि देर आर थ्री नंबर्स. हिंदी में थ्री होते हैं लेकिन इंग्लिश में देर आर टू नंबर्स, सिंगुलर एंड प्लूरल. सिंगुलर मीन्स जिसमें सिंगल वर्ड से बना हुआ है, सिंगल यानी कि जो एक है, जो एक यूनिट है उसे हम सिंगुलर कहेंगे. और मोर देन वन, एक से ज्यादा को हम डेफिनेटली प्लूरल कहेंगे. ये पेन है, ये सिंगुलर है, लेकिन ये दो पेन है तो भी प्लूरल है, तीन है तो भी प्लूरल है, और इससे ज्यादा हो जाए तब भी हम इसे प्लूरल ही कहेंगे. सो जैसे पेन सिंगुलर हो गया और पेन्स प्लूरल हो गया. जरूरी नहीं इसमें केवल एस लगाने से ही प्लूरल बनता है. बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो स्पेलिंग चेंज हो जाती है. जैसे मैन सिंगुलर होता है और एम ई एन मैन, ये प्लूरल होता है. मोर ऐसे यूजुअली देखा ये जाता है कि ज्यादातर जो नाउन्स हैं वो एस से बनते हैं, लेकिन एक्सेप्शन भी है, इसका अपवाद भी है कि स्पेलिंग चेंज होकर भी नाउन हमारा प्लूरल बनता है. इसमें कुछ बहुत ज्यादा समझने की बात नहीं है. बाकी आपके पास जो बुक्स होगी उसमें आप जरूर स्टडी करिएगा. अब चलते हैं हमारे जेंडर ऑफ द नाउन की ओर. जेंडर ऑफ द नाउन की बात करें सो देयर आर फोर जेंडर्स. बात करते हैं जेंडर ऑफ द नाउन की. सो स्टूडेंट्स देयर आर फोर जेंडर्स ऑफ द नाउन. इंग्लिश लैंग्वेज के आधार पर जेंडर जो होते हैं वो चार होते हैं. मैस्कुलाइन जिसे हम लोग पुल्लिंग बोल देते हैं, पुलिंग मीन्स एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा नाउन जो हमें पुरुष जाति का बोध कराते हो, पुरुष जाति की जानकारी देता हो. सपोज करो बॉय, सॉरी राम. राम एक ऐसा नाम है जिससे सीधा पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग है. रोहन, रोहन से पता चल रहा है, रोहन, रवि, डॉग, कैमल. सो ये वे वर्ड है जो हमें कहीं ना कहीं एक मैस्कुलाइन यानी के पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं. सो हर वो नाउन, हर वो वर्ड जो हमें पुरुष जाति का की जानकारी देता हो वो कहलाएगा आपका, वो वर्ड आपका मैस्कुलाइन में आएगा. फेमिनाइन की बात करते हैं. सेकंड, फेमिनाइन मीन्स हर वो नाम जो हमें स्त्री जाति का जानकारी देता हो. स्त्री, सपोज करो सीता, रीना, रानी, ये ऐसे नाम हैं जो हमें कहीं ना कहीं स्त्री जाति का बोध करा देते हैं. बीच, ये हमें मेल, ये हमें बता रहे हैं कि ये जो जाति है वो फेमिनाइन जाति है. सो फीमेल को रिप्रेजेंट करने वाले हर वो वर्ड, हर वो नाउन जो फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा हो वो फेमिनाइन के अंदर आएगा. थर्ड वन बात आती है कॉमन नाउन की, सॉरी कॉमन जेंडर की. कॉमन जेंडर में होता क्या है,
वैसे तो मैस्कुलाइन और फीमिनाइन यानी कि मेल और फीमेल दोनों आते हैं, लेकिन जब दोनों आने के बाद भी हम लोग उसे फीमिनाइन या मैस्कुलाइन ना बोलकर उसको एक कॉमन वर्ड कॉमन नाउन में बोलते हैं। सपोज करो स्टूडेंट, स्टूडेंट स्टूडेंट में या तो मेल है या तो फीमेल है, लेकिन ये क्लियर नहीं हो रहा है कि स्टूडेंट में मेल है या फीमेल है। सो ऐसे नाउन को हम हमेशा कॉमन नाउन में डालेंगे। प्लेयर, प्लेयर में मेल है या फीमेल है पता नहीं है। डॉक्टर, हमें पता नहीं चल रहा है ये मेल है या फीमेल है। सो स्टूडेंट्स, लेकिन ये बात कंफर्म है कि इनमें या तो मेल या फीमेल दोनों ही होंगे और दोनों हो भी सकते हैं। सो मेल और फीमेल जो दोनों हो और दोनों के लिए कोई ऐसा वर्ड हो जो यूज किया जा सकता हो, उसे हम लोग बोलेंगे कॉमन नाउन, यानी कि इसे कहते हैं उभयलिंग। उभय दोनों, जैसे बच्चा चाइल्ड, चाइल्ड में लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं। सो ऐसे वर्ड्स हमेशा कॉमन जेंडर में आते हैं। फोर्थ वन, न्यूटर। न्यूटर एक ऐसा जेंडर होता है जो मेल और फीमेल से बाहर होता है। माना तो ये जाता है कि जितने भी नेचुरल चीजें हैं, प्राकृतिक चीजें हैं, वो सारी न्यूटर में आती हैं। और माना ये भी जाता है जितनी निर्जीव चीजें होती हैं, लेकिन जैसे पेड़ है, ट्री है, ट्री अगर बायोलॉजिकल देखें तो ट्री में लाइफ होती है, लेकिन हम लोग इसे न्यूट्रल जेंडर में ही रखेंगे क्योंकि ना तो ये मेल है और ना तो ये फीमेल है। सो ऐसा ट्री, चेयर, हर वो चीज जिसमें लाइफ लाइफ नहीं है, लाइफ लेस है, वो चीज सारी न्यूट्रल में ही आएंगी, जैसे बुक हो गई। सो ऐसी हर वो चीज, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनमें लाइफ तो होती है, जैसे कि मैंने बताया पेड़ है, फ्लावर्स हैं, लाइफ तो होती है, लेकिन ये सभी के सभी इन्हें बोलते हैं नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग यानी कि जिसके किसी भी जेंडर को हम लोगों ने नहीं निर्धारित किया है, ऐसे हर एक जेंडर को हम लोग नपुंसक या न्यूट्रल में रखेंगे। आइए नाउन के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम लोग एंट्री करते हैं, जिसे बोलते हैं फंक्शंस ऑफ द नाउन, यानी कि नाउन के हमारे कार्य क्या क्या हो सकते हैं। एक लैंग्वेज के आधार पर हमारा जो नाउन है वो कहाँ कहाँ काम कर सकता है। सो देयर आर सिक्स फंक्शंस ऑफ द नाउन बिफोर अस, हमारे सामने छह काम है नाउन के। स्टूडेंट, सबसे पहला जो फंक्शन है सब्जेक्ट टू ए वर्ब, यानी कि हमारा जो नाउन है वो किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि वर्ब जो होता है हमारे किसी भी सेंटेंस का बेस होता है। सो कुछ भी ना हो लेकिन सेंटेंस में वर्ब ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है, हम लोग बताया करते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट सेंटेंस का ये बेस है, लेकिन सब्जेक्ट ना हो ऐसा भी सेंटेंस हो सकता है, और ऑब्जेक्ट ना हो ऐसा भी सेंटेंस हो सकता है, लेकिन वर्ब ना हो ऐसा सेंटेंस कभी नहीं हो सकता। अगर वो होगा भी तो वो फ्रेज होगी ना कि सेंटेंस होगा। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले सब्जेक्ट टू अ वर्ब, यानी कि हमारा नाउन क्या होगा, किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट होगा। जैसे राम इज अ डॉक्टर, राम एक डॉक्टर है। सो इज जो है हमारी क्या है, वर्ब है, ये हमारी एक लिंकिंग वर्ब है। सो मेन वर्ब भी होती है, लिंकिंग वर्ब भी।
जो राम है वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। रोहन बीट्स हिज ब्रदर। जो बीट्स है वो हमारी वर्ब है, फाइनेट वर्ब, जिसका मैंने एक बार पहले भी जिक्र कर चुका हूं। ये हमारी फाइनेट वर्ब है, ये भी हमारी फाइनेट वर्ब है। सो जो रोहन है ये हमारा नाउन है। ये कैसा नाउन है? ये मैस्कुलाइन नाउन है हमारा, अगर जेंडर की बात करें हम, और नंबर की बात करें तो ये सिंगुलर है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी वर्ब है और ये हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। कौन है? रोहन। यानी कि हमारा जो नाउन है वो सब्जेक्ट का काम कर सकता है। अब चलते हैं ऑब्जेक्ट। सेकंड जो फंक्शंस ऑफ द नाउन है वो है ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। यानी कि ये कहता है कि हमारा जो नाउन है वो किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे अभी मैंने कहा था रोहन बीट्स सोहन, ये हमारी फाइनेट वर्ब बनी और इस फाइनेट वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट तो ये हमारा नाउन है ही, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो भी हमारा नाउन ही है। सो स्टूडेंट्स, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो नाउन है वो हमारी वर्ब का, जो कि ये वर्ब है, इसका सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। सोहन ऑब्जेक्ट है और रोहन दोनों के दोनों नाउन है और दोनों के दोनों प्रॉपर नाउन है और सिंगुलर में है। नंबर की बात करें और जेंडर की बात करें तो मैस्कुलाइन में है। सो स्टूडेंट्स, ये इस प्रकार से हमारा सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अब बात कर रहे हैं तीसरा जो हमारा फंक्शंस ऑफ द नाउन है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। एक वर्ब का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट क्या चीज होती है? राम इज अ डॉक्टर, ये हमारा वर्ब हो गई और राम हमारा सब्जेक्ट हो गया। डॉक्टर, बहुत सारे स्टूडेंट्स बताते हैं कि डॉक्टर हमारा ऑब्जेक्ट है, पर क्या ये वास्तव में ही ऑब्जेक्ट है? बिल्कुल नहीं, डॉक्टर हमारा कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक बात हमेशा हमें समझ लेनी चाहिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे समझे। एक बात स्टूडेंट्स हमेशा समझे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक यूनिट कभी भी नहीं हो सकती। ये डेफिनेटली, क्योंकि सब्जेक्ट होता है चेंज करने वाला और ऑब्जेक्ट वो नाउन या प्रोनाउन होता है जिसमें बदलाव होता है, जिसके अंदर चेंज आता है। सो और हम लोग यहां क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं कि राम और डॉक्टर ये दोनों एक ही यूनिट है। सो हमारा जो डॉक्टर है वो बिल्कुल भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसे बोलेंगे हम कॉम्प्लीमेंट। यानी कि ये पूरक है। किसका पूरक है? ये राम का पूरक है। अगले सेंटेंस में हमने पहले बताया कि डॉक्टर राम इज ए डॉक्टर, और नेक्स्ट सेंटेंस में हम कहेंगे डॉक्टर राम इज कमिंग। सो अब ये क्या बन गया? डॉक्टर राम, यानी कि राम ही तो डॉक्टर है और डॉक्टर ही राम है। सो ऐसे नाउन जो कि अपने सब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट को पूरक कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं यानी कि कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ऐसे सेंटेंस, ऐसे नाउन को हमेशा कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब कहेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब चलते हैं फोर्थ नाउन की ओर, पोजेसिंग ऑफ द नाउन, यानी कि किसी को भी पोजेस करना। सपोज करो बहुतों बार दो नाउन एक साथ आ जाते हैं और एक साथ उस नाउन के अधिकार की बात करते हैं। राम्स पेन, राम भी नाउन है और पेन भी नाउन है। गर्ल्स, गर्ल्स ड्रेस, गर्ल भी नाउन है और ड्रेस भी नाउन है।
ऐसी कंडीशन में हमेशा जिसका पोजीशन है अधिकार है राम का है, जैसे लैग जरूरी नहीं पोजीशन में है, लैग ऑफ चेयर, लैग ऑफ चेयर यानी कि चेयर की लैग है ये। सो स्टूडेंट्स मैं आपको हाथों हाथ ये भी बताता चलूं कि जो ये अपोस्ट्रोफ एस होता है, अपोस्ट्रोफ एस जो होता है ये अधिकार की बात करती है, राम का अधिकार बताता है पेन के ऊपर है, गर्ल का गर्ल्स का अधिकार बताता है कि ड्रेस पे है, लेकिन जब ऑफ में लिखते हैं तो यहाँ थोड़ा सा हमें देखने में उल्टा लगता है, चेयर की लैग की बात करता है। और ध्यान रहे ये हमेशा लिविंग थिंग्स पे ही हम अपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं या फिर पर्सोनिफिकेशन कर दिया जाता है, जब हम किसी चीज को लिविंग थिंग मान लेते हैं तब उसका अपोस्ट्रोफ एस लगा सकते हैं, निर्जीव चीज पे भी लगा सकते हैं, लेकिन उसका हमने पर्सोनिफिकेशन किया हो यानी कि उसे उसके अंदर लाइफ मान ली हो। सो जब हम एक नाउन को दूसरे नाउन पे पोजिश करेंगे सो ऐसी कंडीशन में, क्योंकि ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, सो इसे हम बोलेंगे पोजेसिंग द नाउन यानी कि नाउन का नाउन पे अधिकार। सो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा फोर्थ फंक्शंस ऑफ द नाउन, एंड नाउ फिफ्थ फंक्शंस ऑफ द नाउन यानी कि केस इन अपोजिशन। केस इन अपोजिशन कब आता है? केस इन अपोजिशन का मतलब होता है जब कोई दो नाउन एक ही पर्सन एक ही यूनिट के लिए हम लोग लगा देते हैं और दोनों को एक साथ रखते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता हमने पहला कौन सा लगाया है, जैसे सचिन तेंदुलकर कोमा मास्टर ब्लास्टर इज भारत रत्न। यहां सचिन तेंदुलकर कहें या मास्टर ब्लास्टर कहें, दोनों एक ही है। सो दोनों के पीछे हम कोमा लगा देंगे, मास्टर ब्लास्टर को पहले लिख लें या सचिन तेंदुलकर को पहले लिख लें, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सपोज करो माय मदर कोमा उषा देवी इज अ हाउस वाइफ। यहां नोटिस करने वाली चीज है मेरी माँ और उषा देवी दोनों एक ही यूनिट है, लेकिन दोनों को क्लियर करने के लिए ऐसा कब किया जाता है, ज्यादातर ये एक सेलिब्रिटी टाइप लोगों में किया जाता है जहां नाम में कंफ्यूजन हो सकता है, सो दो नाम हम एक साथ उसकी एक हम लोग नाम ले लेते हैं और एक उसकी उपमा ले लेते हैं, मीन्स जिसे हम लोग बोलते हैं सिमिलर उसका होता है वो किसी उसके जैस उसे किसी और दूसरे नाम से जिससे जाना जाता है उसको भी हम उसी के साथ ले लेते हैं और दोनों के पीछे हम कोमा लगा देते हैं। उषा देवी को आप पहले रख सकते हैं, माई मदर को आप बाद में रख सकते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। रमेश चंद माई क्लास टीचर इज अ गुड सिंगर। सो रमेश चंद कहिए या माई क्लास टीचर कहिए, दोनों एक ही यूनिट है और दोनों को हमने एक साथ रख दिया, ऐसी कंडीशन को हमेशा कहेंगे केस इन अपोजिशन। आशा करता हूं आप लोगों की जरूर समझ में आया होगा। और अब चलते हैं अपने नॉमिनेटिव एड्रेस की ओर, जो सिक्स्थ वन है। नॉमिनेटिव होता है किसी को नॉमिनेट करना। सपोज करो मैंने किसी को आवाज लगाई, राजू, और राजू को आवाज लगाने पर राजू बोलता है यस सर, सो मैं कहता हूं कम हियर। मीन्स यहां राजू थर्ड पर्सन होते हुए भी थर्ड पर्सन नहीं है, यानी कि ये नाउन है थर्ड पर्सन है, बट
यहां ये एज ए सेकेंड पर्सन वर्क कर रहा है, यहां ये सेकेंड पर्सन बन गया। ऐसी कंडीशन में जब ये नॉमिनेट कर रहे हैं हम इसे सेकेंड पर्सन के लिए, ऐसी कंडीशन में हमेशा ये हमेशा इंपेरेटिव सेंटेंस में ही आता है, नॉमिनेटिव जो नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस होता है, यानी कि किसी को नॉमिनेट करके एड्रेस किया जाता है और फिर उसे सेकेंड पर्सन बना के उस पर कोई चीज अप्लाई कर दी जाती है, कोई बात अप्लाई कर दी जाती है, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। कोई भी सीता जब वो कहेगी यस गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, सो सीता इज अ नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस एज ए हियर, यहाँ सीता जो है एज ए नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस है। आशा करता हूँ ये काइंड्स ऑफ नाउन, नंबर्स ऑफ नाउन, जेंडर ऑफ नाउन और फंक्शंस ऑफ नाउन आप लोगों की जरूर समझ में आया होगा। किसी भी तरह की अगर बात समझ में नहीं आती तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और उस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं, और अगर कोई गलती रह गई उस गलती पे ध्यान ना दीजिएगा, नॉलेज पे ध्यान दीजिए। नमस्कार।